गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डबल केज इंडक्शन मोटर की करैक्टरिस्टिक्स। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है द स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस ऑफ द रोटर ऑफ द आउटर केज ऑफ ए डबल केज इंडक्शन मोटर इज 0.3 प्लस जे 0.4 ओम एंड दैट ऑफ द इनर केज इज 0.1 प्लस जे 1.5 ओम। तो यहाँ पर आपको आउटर केज इंडक्शन मोटर और इनर केज इंडक्शन मोटर की इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है। कंपेयर द रिलेटिव करंट, आपको कंपेयर करना उनके रिलेटिव करंट्स को एंड टॉर्क ऑफ द टू केजेस, और दोनों केजेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके बारे में आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अब इसमें कंडीशंस कुछ गिवन है। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आपको तब ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जब आपकी इंडक्शन मोटर किस कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। इट मींस आपकी जो स्लिप की वैल्यू होगी s इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, और स्लिप क्या हो जाएगा, ns माइनस nr अपॉन ns। सो nr इज इक्वल्स टू 0, सो ns अपॉन ns इज इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट कंडीशन है एट ए स्लिप ऑफ 5% निगलेक्ट स्टेटर इम्पिडेंस, और यहाँ पर हम स्टेटर के इम्पिडेंस को निगलेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डबल केज इंडक्शन मोटर के क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट डायग्राम पढ़ा था, वहाँ पर आपने R1 और यहाँ पर X1 और इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाया था, इस तरीके का आपका वहाँ पर डायग्राम बना था, एक इनर केज के लिए था एक आउटर केज के लिए। और यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं ये आपका स्टेटर का इम्पिडेंस था, सो स्टेटर के इम्पिडेंस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। अब हम आगे इसको देखते हैं कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू 1। आउटर केज का इम्पिडेंस यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको आउटर केज का इम्पिडेंस गिवन है 0.3 प्लस जे 0.4 ओम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 एंगल ऑफ 53.13 ओम। और सेम ऐसे ही इनर केज का इम्पिडेंस भी आपको गिवन है 0.1 प्लस जे 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.503 एंगल ऑफ 86.18। अब आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो द करंट थ्रू द आउटर केज, कितना करंट आउटर केज में फ्लो हो रहा है और कितना करंट इनर केज में फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए इक्विवेलेंट डायग्राम में आपको पूरा का पूरा वहाँ पर वैल्यू पता थी, I2 0, 0 या O, ये 0 की जगह क्या, O यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब आउटर केस के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 अपॉन Z2 0 की डैश, और यहाँ पर Z2 0 की वैल्यू अभी हमने आप फाइंड आउट की इम्पिडेंस की वैल्यू 0.5। सो I2 0 डैश इज इक्वल्स को आ जाएगा 2E के इक्वल। अब करंट थ्रो, ये तो आउटर केस से हुआ, अब करंट थ्रो द इनर केस, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, इम्पिडेंस जो लेंगे हम इनर केस का लेंगे, और यहाँ पर आपने इम्पिडेंस फाइंड आउट किया 1.503, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब हम इन बोथ इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इन बोथ इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी द रेशियो बिटवीन द आउटर केस एंड इनर केस करंट इज इक्वल्स टू 3.006। अब यहाँ पर हम कॉपर लॉस को फाइंड आउट करेंगे, तो कॉपर लॉस आउटर केस में कितना होगा, तो हमको पता है कि कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I2R, आउटर केस है तो आउटर केस में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I20 डैश का स्क्वायर और उसका टूटने वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पीडेंस नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि जो कॉपर लॉस होता है वो केवल किसके थ्रू होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, I2 स्क्वायर R20 का डैश। सो सेम ऐसे ही आप इनर केस के लिए भी क्या निकाल लेंगे, कॉपर लॉस निकाल लेंगे। अब हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है फॉर स्टैंड स्टिल कंडीशन,
टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई ओमेगा होता है। और ओमेगा यहाँ पर कैसा है आपका, स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो ओमेगा दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ओमेगा की वैल्यू कट हो जाएगी, इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। और पी कौन सा होगा यहाँ पर, जो उसमें होने वाले कॉपर लॉस होंगे उसके इक्वल हो जाएगा। सो पी आउटर और पी इनर की वैल्यू हो जाएगी आई टू जीरो डैश का होल स्क्वायर आर टू जीरो अपॉन आई टू इन इनर डैश का स्क्वायर आर टू इनर। अब यहाँ पर आपने पहले से ही फाइंड आउट की हुई है इस इक्वेशन नंबर 3-2 से, यहाँ पर आपने इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया हुआ है, तो इस रेशियो को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू थी आपकी 3.006 का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है आउटर केस के लिए 0.3, इनर केस के लिए 0.1, तो ये 0.3 अपॉन 0.1, इसको आप जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27.1। तो ये आपकी हो गई दोनों केसेस के लिए टॉर्क की वैल्यू। अब हम दूसरी कंडीशन जिस पे आपके स्लिप की वैल्यू कितनी है, 5% है, मतलब S इज इक्वल्स टू 5, सो S की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो पर यूनिट में क्या हो जाएगा, 0.05, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला था आपके पास Z टू 0 इज इक्वल्स टू R टू डैश अपॉन S प्लस J X टू 0 का डैश, इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.013 एंगल ऑफ 38.1 एंगल। अब हम सेम ऐसे ही किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सेम हम इसी की तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इनर केस के लिए भी, आपका स्लिप वही रहेगी 5% और उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2.5 एंगल ऑफ 36.87%। अब यहाँ पर आपको दोनों के इम्पिडेंस फाइंड आउट हो गए तो उससे हम करंट के रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे, सेम फार्मूला रहेगा आई टू इस जीरो अपॉन आई टू आई इज इक्वल्स टू जेड टू आई का डैश अपॉन जेड टू जीरो डैश, यहाँ पर डैश लगा लेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, ये 2.5 अपॉन 6.013, सो इसका रेशियो आएगा आपके पास 0.4158। अब सेम टॉर्क आपको क्या निकालना है, यहाँ पर फिर से आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, पावर की वैल्यू, कौन से पावर होगा यहाँ पर, आई स्क्वायर आर लॉसेस के फॉर्म में होगा, तो आई स्क्वायर आर टॉर्क टाउ के टर्म्स में वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ टू जीरो अपॉन टाउ टू वन इज इक्वल्स टू आई टू जीरो डैश अपॉन आई टू आई का होल स्क्वायर इंटू आर टू जीरो डैश अपॉन आर टू आई डैश। यहाँ पर आप देखो रेशियो की वैल्यू पहले से ही गिवन आपने फाइंड आउट कर ली है, 0.4158 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 अपॉन 0.1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू 0.518। तो इस तरीके से आपने दोनों ही कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में और जब आपकी इंडक्शन मोटर 0.5% स्लिप से रन कर रही है उस कंडीशन में रिलेटिव करंट्स और टॉर्क की वैल्यू को बोथ किसमें, रोटर या केज में फाइंड आउट कर ली। तो ये आपका रहा डबल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो जितने भी न्यूमेरिकल इसमें आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।